इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के 42वें एडिशन की शुरुआत दिल्ली के प्रगति मैदान में हो चुकी है। 14 नवंबर से शुरू हुआ ये ट्रेड फेयर 27 नवंबर तक चलने वाला है। ये दुनिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड ट्रेड फेयर में शामिल है। इससे न केवल बिजनेस में ग्रोथ होगी बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग इसे देखने के लिए राजधानी पहुंच रहे हैं। यहां आप कई देशों और राज्यों के खूबसूरत स्टॉल्स देख सकते हैं। इस बार थीम वसुधैव कुटुंबकम पर बेस्ड है। इस मेले में 13 देशों के साथ साथ 25 स्टेट्स के साथ देश विदेश के 3500 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें करीब 370 कंपनियां हैं। सभी प्रदेशों और केंद्र शासित राज्यों और 13 विदेशी पवेलियन इसमें शामिल हैं। इस मेले का पार्टनर राज्य बिहार और केरल है, जबकि फोकस स्टेट जो है वो है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। 14 नवंबर से जैसा आपको बताया कि मेले की शुरुआत हो रही है और 18 नवंबर तक जो ट्रेडर्स हैं या फिर बिजनेस हैं उनको शिरकत करने की परमिशन दी गई है, जबकि 19 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक आम लोग इस मेले में एंट्री कर सकते हैं। मेले की टिकट आप ऑनलाइन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर दिल्ली के सिलेक्टेड 55 मेट्रो स्टेशन के काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं। वहां के खास काउंटर्स पर जाकर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको पेटीएम इंसाइडर पर जाकर टिकट लेना होगा। आपको टिकट मेट्रो स्टेशन या फिर आप ऑनलाइन इसी तरीके से आप बुक कर सकते हैं। टिकट की बिक्री प्रगति मैदान में नहीं होने वाली है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। टिकट बिजनेस डेस्क में और नॉर्मल दोनों के लिए ही अवेलेबल है। एडल्ट्स के लिए ये जो कीमत है टिकट की वो 80 रुपये से शुरू होकर 500 रुपये और बच्चों के लिए 40 रुपये से शुरू होकर 200 रुपये तक की है। इस ट्रेड फेयर के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं, जैसा आप देख भी सकते हैं। इस बार का मेला पहले से ज्यादा बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज किया गया है। इसकी खूबसूरती में भारत मंडपम में लगे अलग अलग फाउंटेन्स हैं वो और भी ज्यादा इसमें 4 चांद लगा रहे हैं। मेले का जो कैंपस है हॉल नंबर 4 के आगे 1 एकड़ में बना हुआ फाउंटेन है। इसके अलावा सभी गेट के साथ साथ IITF के फ्रंट गेट पर भी फाउंटेन है। इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में 20% ज्यादा क्षेत्र यानी के 1,20,000 वर्ग मीटर एरिया में इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस ट्रेड फेयर में हर दिन तकरीबन 40,000 लोगों के आने की संभावना है, जो कि वीकेंड और छुट्टियों के दौरान 1 लाख तक भी हो सकती है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मेले में नहीं जाने वाले लोगों को उन मार्गों पर जाने से बचने की एडवाइजरी भी जारी करी है जो मार्ग मेला परिसर तक जाते हैं। पुलिस ने लोगों को ये सलाह दी है कि मेले के दौरान आप मथुरा रोड, भैरव मार्ग, रिंग रोड, शेरशाह मार्ग और पुराना किला मार्ग पर ट्रैफिक जाम की आशंका है, इसलिए जो लोग मेले में नहीं जा रहे हैं वो इन सड़कों से गुजरने से जरूर बचें। मेले की शुरुआत 10 बजे से हो जाती है, जिसका शाम 7:30 बजे तक आप लुत्फ उठा सकते हैं। मेला परिसर में गेट नंबर 1, 4, 6 और 10 से आम लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं प्रदर्शकों के लिए प्रवेश गेट संख्या 1, 4, 5, B और 10 से होगा। वहीं ITPO अधिकारी गेट संख्या 9 और 1 से प्रवेश कर सकेंगे, जबकि शाम 5:30 बजे के बाद एंट्री है वो वर्जित होगी, आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। इस मेले में आने के लिए मेट्रो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगर प्राइवेट व्हीकल से आप आते हैं तो दर्शक वाहन को भैरव रोड के अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ा करके गेट नंबर 1 से 6 से या फिर आप 4 से भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो इस बार के ट्रेड फेयर में काफी कुछ अच्छी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपने ट्रेड फेयर आप आ चुके हैं, आपने देखा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस बार का ट्रेड फेयर आपको कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।